तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। गेमिंग न्यूज 15 के हियर, हैप्पी संडे एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज वीडियो। कल का टॉप कमेंट निकल कर आता है हमारे एक भाई की तरफ से, जो कि पहले से सैड बैठे हुए थे। एंड एग्जैक्टली उन्होंने ये लिखा, जिंदगी में कभी टॉप कमेंट नहीं बन सकता यार, सैड बैड मत हुआ करो, आप इसके लिए कुछ यूनिक लिखो, आपका टॉप कमेंट जरूर बनेगा। अब गाइस, पहली अपडेट निकल कर आती है बीजीएमआई के रिलेटेड। तो अगर करंटली हम बीजीएमआई में लॉग इन करके देखेंगे तो वहां पर हमको ये नोटिस शो हो रहा है। बेसिकली गाइस, इसमें वही लिखा है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 27 को बीजीएमआई हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, iOS यूजर्स के लिए 29 को अवेलेबल हो जाएगा। एंड फाइनली फिर एंड्रॉइड प्लस iOS यूजर्स इसको 29 मई के बाद में खेल पाएंगे। बाय द वे गाइस, जितने लोग भी हमारे गेमिंग न्यूज 15 के फैमिली के मेंबर हैं, एग्जैक्ट गेम की डेट मैंने ऑलरेडी उनको मई 23 को ही बता दी थी। बीजीएमआई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने से 4 दिन पहले ही हमको 27 या फिर 29 को देखने को मिलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली गाइस आई थिंक 29। एनीवेज गाइस, आपको डेट तो ऑलरेडी पता चली गई है, लेकिन अब क्वेश्चन निकल कर आता है कि किस टाइम पर हमको गेम वापस से देखने को मिलेगा। तो कल यही चीज के रिलेटेड गॉड लाइक लोल्स ने भी अपनी स्ट्रीम पर बात की, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। 29 का सिस्टम हैंग, अरे सब हैंग कर देंगे। तो भाई कितने बजे आएगा गेम? देखो वैसे अगर लॉन्च टाइम तुम देखो ना, तो वही होता है 12 बोल रहा हूँ, 7:30 होता है। अब इस बार का पता नहीं, 7 AM और PM सुबह क्या होता है ये बता ब्रो। सुबह क्या होता है? सुबह होता है AM, तो सुबह ही गेम आएगा। एंड बाय द वे गाइस, मैं आपको बता दूं, हमारी बीजीएमआई कम्युनिटी के मेंबर फुल रेडी हैं बीजीएमआई की स्ट्रीम करने के लिए। मोटल एंड गोल्ड बाई की शेड्यूल स्ट्रीम को आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जो कि कल होने वाली है। बाय द वे गाइस, आप हमारी बीजीएमआई कम्युनिटी के किस मेंबर की लाइव स्ट्रीम के लिए पूरे एक्साइटेड है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड चलो देखते हैं, जिसके भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है बीजीएमआई की लॉन्च पार्टी के रिलेटेड। तो गाइस, बहुत जल्दी हमको बीजीएमआई की एक लॉन्च पार्टी स्ट्रीम भी देखने को मिलने वाली है, जहां पर हमको खेलते हुए दिखेंगे आपके फेवरेट बीजीएमआई प्लेयर्स। एंड इसके रिलेटेड हमको लोल्स गेमिंग की स्ट्रीम से कुछ लीक्स देखने को मिले कि उसके अंदर हमको कौन सी टीम्स देखने को मिल सकती हैं। तो आप देखिए लॉन्च पार्टी का टीम बताओ। अरे मैं इनवाइट ही नहीं है ब्रो लॉन्च पार्टी का, अगर तुम इतना मेहनत करो, इतना ट्राई करो, फिर स्लॉट ना मिले तो क्या होगा तुम्हारा? लॉन्च पार्टी का गाते को करंटन का टीम बताओ, दोनों में मैं खेल। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो गाइस, स्काउट ने कल बात की एक शूट के रिलेटेड जो कि हैदराबाद में होने वाला है। आपको भी शायद ऑलरेडी पता होगा गाइस, जितने भी बीजीएमआई के मैक्सिमम शूट्स होते हैं वो हैदराबाद में ही होते हैं। तो क्या उन्होंने ये लीक कर दिया कि वो बीजीएमआई के शूट के लिए जा रहे हैं? एंड साथ में उन्होंने बात की अपने कमबैक के रिलेटेड, तो आप सुनिए एग्जैक्टली स्काउट ने इस पर क्या कहा। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल सब लोग, बहुत खुश है मुझे पता है। 29 तो गेम आ रहा है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि अब रियल गेम चलने वाला है, मजा आने वाला है। हे गाइस, आई नो सब लोग स्ट्रीम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट सीन ऐसा है कि वापस अभी ट्रैवल करना है, कल एक और शूट है, हैदराबाद जा रहे हैं, इफ यू नो सो अभी निकलने वाले मुंबई वापस, कल एक लास्ट शूट आई होप, उसके बाद लंबी स्ट्रीम्स कंटिन्यू रहेगी 29 से। हम लोग का प्यारा प्यारा गेम भी आ रहा वापस, सो मिलते हैं 29 को। और गाइस, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग अपडेट है जोनाथन के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है मीजो की तरफ से। तो गाइस, अभी एक रीसेंट वीडियो में मैंने आपको बताया था जहां पर मीजो ने टीम गुड लाइक को ज्वाइन कर लिया है। तो कल मीजो ने रिएक्ट किया जोनाथन की एक प्रीवियस वीडियो के ऊपर, जहां पर उन्होंने अपने फादर को BMW कार गिफ्ट की थी। एंड साथ ही उन्होंने बात की कि टीम गुड लाइक में उनका फेवरेट मेंबर कौन है, तो आप खुद ही सुन लीजिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। काफी बहुत अच्छी व्लॉग बनी है, ऑनेस्टली बहुत प्यारी व्लॉग बनी है ये भी, और वो मस्टांग वाली भी, लाइक अमेजिंग। आई लाइक हाउ ही एड्स अ पर्सनल फैमिली वाला टच, एंड द फैक्ट दैट ही इज सो हम्बल इज व्हाट डजंट मेक इट लुक लाइक अ शो ऑफ, यू नो, लाइक आधे लोगों के व्लॉग्स में शो ऑफ ही शो ऑफ दिखता है, ईगो दिख के आता है पूरा ऐसे, तुम समझ रहे हो ना, बट इसके व्लॉग में ही नोज लाइक वेयर ही केम फ्रॉम एंड लाइक ही सो हम्बल। आई लाइक दैट, आई लव दिस व्लॉग, प्रॉबली लाइक माई फेवरेट गॉड लाइक मेंबर बॉयज में जोनाथन इज, रियली गुड व्लॉग। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है सोल वाइपर के रिलेटेड। तो क्या फाइनली हमको सोल वाइपर का भी कमबैक देखने को मिल सकता है कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स में? इसके रिलेटेड बात करते हुए कल वाइपर ने ये कहा, कमबैक होगा पता नहीं, मतलब अभी देखो पहले तो गेम आएगा, थोड़ा गेम खेलेंगे, हाथ बिठाएंगे, खेलने का मन तो है यार अभी तक, पर कुछ ऐसा प्लान किया नहीं है, करते हैं, खेलने का मन तो है। चाचा जी मैंने बोला वाइपर कॉम्पी कमबैक नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों, वी नीड द कम बैक, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहता यार, मैंने बोला ना अभी देखो अभी का कुछ इसके बारे में बात ही नहीं हुआ, खेलने का मन तो है, खेलेंगे पर देखेंगे, नहीं तो स्क्रिम्स तो खेलेंगे यार,
ऑफिशियल नहीं, हाँ वही ऑफिशियल नहीं, तो स्क्रिम्स तो खेलते रहेंगे। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है बीजीएमआई में टॉक्सिसिटी के रिलेटेड, जिसके रिलेटेड ओशन शर्मा ने एक वीडियो को अपलोड की, आप देखिए। ओ गाइस अगले तीन महीने का पूरी लाइफ वैसे तुम्हारी जिंदगी में टॉक्सिसिटी का उतना ही रोल होना चाहिए जितना तुषार कपूर का गोलमाल मूवी में डायलॉग्स को लेकर के था, ठीक है जी। तो गाइस अब हमको टॉक्सिसिटी नहीं करना है, आई नो आप लोग नहीं करते हो, बट स्टिल जो भी करते हैं भाई प्लीज मत करना। और गाइस नेक्स्ट अपडेट है बीजीएमआई के एक प्लेयर लास्ट लेजेंड बनी के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है स्पीरो की तरफ से। तो गाइस अगर आपको याद है लास्ट ईयर जो आईको बीएमओसी एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हमको लास्ट लेजेंड बनी की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। एंड इसके बाद स्पीरो ने अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड की थी, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि काफी वायरल भी हुई थी। एंड कल लास्ट लेजेंड बनी के रिलेटेड अगेन स्पीरो ने बात की, तो आप सुनिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। I just had a chat with Last Legends Bunny. I hope आप सबको वो याद हो गए। काफी अच्छा खेला था उन्होंने official tournaments में। अगर कोई team support करना चाहती है तो please उन्हें contact कीजिए। Recently उन्होंने अपनी 12th complete करी है and he wants to play PGMI once more। साथ साथ वो study भी करना चाहते हैं। If anybody can support him, please contact him. और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है स्प्रे गॉड गेमिंग के रिलेटेड। तो गाइस प्रीवियस एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जहां पर स्प्रे गॉड का इंस्टाग्राम को टर्मिनेट कर दिया गया था, विच मींस उनको उनका ओल्ड अकाउंट वापस नहीं मिल पाएगा। बट अब उन्होंने अपना न्यू इंस्टाग्राम बना लिया है एंड वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस पर बात करते हुए कल वैक्सी ने भी ये कहा, फॉलो कर दो न्यू अकाउंट, ओल्ड अकाउंट गॉट बैंड फॉर नो रीजन। एंड फिर खुद स्प्रे गॉड ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए ये कहा, ओल्ड अकाउंट वॉज टर्मिनेटेड फॉर नो रीजन, शेयर माई प्रोफाइल विद योर स्क्वाड, लव यू गाइस। और गाइस नेक्स्ट एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आती है विराट कोहली के रिलेटेड। तो गाइस अगर भी आप विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे, जो कि भाई मत जाकर देखना मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, तो वो एक इंस्टाग्राम यूजर को अभी फॉलो कर रहे हैं बाय द नेम मिस्टर अभी। बट अगर हम उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देखेंगे तो उनके केवल 2000 फॉलोअर्स हैं। एंड ऐसा भी नहीं कि ये ज्यादा फेमस हो, तो विराट कोहली इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? आई थिंक गाइस विराट कोहली ने गलती से इनको फॉलो कर लिया होगा। कभी कभी जब आप इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन देखते हो तो गलती से फॉलो पर क्लिक हो जाता है। एंड गाइस फनी बात तो यहाँ से ये, अगर भाई की हम फॉलोइंग में जाकर देखेंगे तो वो खुद विराट कोहली को नहीं फॉलो करते हैं, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल से आ गया भाई। एंड बाय द वे इंस्टाग्राम से याद आया गाइस, हमने भी हमारे इंस्टाग्राम पर 2000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो सभी के लिए गाइस आप सभी का थैंक यू सो मच। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय-बाय।